चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड और काम की महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। बीजेपी ने फिर जारी कर दिया है उम्मीदवारों का 7वां लिस्ट। अमरावती से नवनीत राणा को मिला टिकट। रामेश्वरम कैफे बम ब्लास्ट के तार यूपी से जुड़े। एनआईए ने बरेली से एक संदिग्ध को दबोचा, 5 घंटे तक किया पूछताछ। आज सोना चांदी के दाम में आया गिरावट। सोना 66,420 पहुंचा, वही चांदी का कीमत भी 74,000 का नीचे आया। इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने वालों के लिए खुशखबरी। एचपी फ्यूल स्टेशनों पर चार्ज हो सकेंगी इलेक्ट्रिक गाड़ियां। ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिए टाटा के साथ डील हो गई है। 1.2 लाख कस्टमर को मिलेगा फायदा। शेयर बाजार में बड़ा बदलाव। जिस दिन आप शेयर बेचेंगे पैसा भी उसी दिन मिलेगा। यह सिस्टम कल से होगा शुरू। एनएससी बीएससी इसकी शुरुआत 25 शेयर से करेंगे। लोकसभा इलेक्शन 2024 शिवसेना उद्धव गुट की पहली सूची जारी। 17 उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे। उड़ीसा विधानसभा चुनाव, नवीन पटनायक हिंजिली से लड़ेंगे। बीजेपी ने जारी किया 72 प्रत्याशियों का लिस्ट। टीवीएस कंपनी का बड़ा ऐलान, देश की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल लॉन्च कर सकती है टीवीएस। सस्ता हो जाएगा बाइक का कीमत। सऊदी अरब का बड़ा ऐलान, शराब पर पाबंदी हटाई, अब पहली बार मिस यूनिवर्स में ले रहा हिस्सा। इस्लामिक देश में हो रहा बड़ा बदलाव। दिल्ली में नकली सिक्का बनाने वाला गैंग का भंडाफोड़, पुलिस ने कई लोगों को किया गिरफ्तार। यूट्यूब से सीखा था नकली सिक्के बनाना। भोपाल से आया दिल दहला देने वाली खबर, दादी को बेरहमी से पीटने वाले पति पत्नी गिरफ्तार। दूसरे राज्य भागने की फिराक में थे आरोपी, अच्छा खाना ना बनाने पर की थी हाथापाई। ईडी ने हाईकोर्ट से मांगा वक्त, सीएम केजरीवाल की पत्नी बोली मेरे पति 28 मार्च को अदालत में बताएंगे सच्चाई। नितिन गडकरी ने कहा सैटेलाइट से कटेगा टोल टैक्स, नेशनल हाईवे नेटवर्क को अमेरिका के बराबर बनाना होगा। चंपाई सोरेन की सरकार से नाराज झारखंड के होमगार्ड जवान, अब चुनाव के दिन नोटा में देंगे वोट, नाराजगी है बहुत बड़ा वजह। बिहार के दरभंगा के लिए उड़ान भरने जा रही इंडिगो फ्लाइट की एयर इंडिया के विमान से हुई है टक्कर, सैकड़ों यात्री की जान पर आ गई मुश्किलें, 2 पायलट की गई है नौकरी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 6 नक्सली ढेर, इनमें डिप्टी कमांडर नागेश और 2 महिला शामिल, सुरक्षा बलों ने 3 ग्रामीण की हत्या का हिसाब किया चुकता। तपती धूप में तैनात थे पुलिस वाले, 2 मुस्लिम लड़कों ने पिलाया पानी, लोगों का दिल जीत रहे वीडियो, सोशल मीडिया में तेजी से हो रहा यह वीडियो वायरल। कांग्रेस के पप्पू के साथ हो गया खेला, लालू यादव ने पूर्णिया से बीमा भारती को दे दिया टिकट, अब पप्पू यादव की बढ़ गई है मुश्किलें। भीषण गर्मी में डाले जाएंगे वोट, मौसम विभाग की चेतावनी के बाद हरकत में आया चुनाव आयोग, एडवाइजरी होगा जारी। सोनम वांगचुक की 21 दिन बाद खत्म हो गई है भूख हड़ताल, लद्दाख के लिए लगातार बढ़ रहा है डिमांड, डेमोक्रेसी को लेकर वहां के लोग कर रहे आंदोलन। सुकन्या समृद्धि में अगर आप भी अपनी बेटी का खुलाना चाहते हैं खाता तो सरकार देगी इसमें 8.2% ब्याज, तुरंत नजदीकी पोस्ट ऑफिस में जाकर कर सकते हैं आवेदन। हिमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी का भविष्य को बताया अंधकारमय, 2047 तक कांग्रेस हो जाएगा पूरे देश से साफ। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का बड़ा ऐलान, बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार का 6वां सूची कर दिया जारी। CUET UG 2024 एग्जाम का फॉर्म भरने वालों के लिए आ गई खुशखबरी, 31 मार्च तक कर सकते हैं आवेदन, सरकार ने बढ़ा दिया इसका डेट। होली में यूपी में गांजा खपाने की कोशिश नाकाम, पलामू से उड़ीसा के 4 तस्कर 50 किलो गांजा के साथ हुए गिरफ्तार। अयोध्या के राम मंदिर परिसर में चली है गोली, PSC जवान के सीने के आर पार हुई, लखनऊ ट्रामा सेंटर किया गया है रेफर।
कर्मचारियों पेंशनरों को मिलेगा डबल गिफ्ट, डीए के अलावा बढ़ेगा 9% भत्ता, 2 महीने का एरियर का भी मिलेगा लाभ, 1 अप्रैल से सरकार खाते में डालेगी पैसा। लोकसभा इलेक्शन 2024, धनबाद से टिकट मिलने के बाद सांसद पीएन सिंह को मिलने पहुंचे ढुल्लू महतो, पैर छूकर लिया आशीर्वाद। लोकसभा चुनाव में 95 लाख तक ही खर्च कर सकेंगे गिरिराज सिंह, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दे दिया बड़ा आदेश, अवदेश को भी रखना होगा ध्यान। 266 करोड़ की लागत से बना है कुशीनगर एयरपोर्ट, पड़ गया है बंद, विदेश के लिए उड़ाने नहीं भर पा रहे विमान। मुंगेर संसदीय क्षेत्र से बाहुबली ललन सिंह ने लोकसभा चुनाव लड़ने का किया ऐलान, भाजपा से बगावत कर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उठेंगे ताल। आम आदमी पार्टी का प्रोटेस्ट जारी, सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी ने किया पीएम आवास का घेराव, दिल्ली पुलिस ने कहा 5 मिनट में खाली करो वरना सबको जाना होगा जेल। लोकसभा चुनाव 2024 केवल मुस्लिमों को दे रहे हैं 2 बेडरूम फ्लैट, बीजेपी प्रत्याशी माधवी लता का ओवैसी और तेलंगाना सरकार पर निशाना। मेरी गिरफ्तारी गलत, तुरंत रिहा कर दिया जाए, केजरीवाल की याचिका पर हाईकोर्ट सुनवाई को तैयार। मोहम्मद शमी की बीवी हसीन जहां ने होली के रंग में जमकर लगाए ठुमके, सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा वीडियो। गरीबों के लिए राहत भरी खबर, इस साल नहीं बढ़ेगा प्याज का कीमत, सरकार ला रही है नया प्लान। झारखंड के चतरा जिला के एक लड़के की रातों रात चमकी किस्मत, ड्रीम 11 खेलकर जीता 1 करोड़ रुपया। होली पर स्कूल पहुंचने में शिक्षक का हुआ बुरा हाल, भड़के पप्पू यादव, गिरिराज सिंह से पूछा बड़ा सवाल। बिहार से पवन सिंह आउट, इन सीटों में चुनाव लड़ने की अटकलें पर लग गया विराम, अब आसनसोल पर नया कैंडिडेट उतार सकती है बीजेपी। कंबोडिया में बैठकर भारत में करोड़ों की साइबर ठगी, उड़ीसा पुलिस ने युवक युवती को हैदराबाद से किया गिरफ्तार। केजरीवाल सिसोदिया के बाद अब आम आदमी पार्टी का एक और नेता, गुलाब सिंह यादव के दफ्तर में ईडी ने मारा छापा, जा सकते हैं फिर जेल। मुंबई से बड़ी खबर, नया घर बनाने के लिए थी 23 लाख रुपए की जरूरत, पड़ोसी के बच्चे को किया किडनैप और कर दिया हत्या। कैश नहीं है भिखारियों के सामने, अब ये बहाना नहीं चलेगा, लोगों से ऑनलाइन पेमेंट करवा रहे हैं डिजिटल भिखारी। ओल्ड पेंशन को लेकर बुरी खबर, अब सरकार 2004 से पहले के जॉब वालों को ही देगी ओल्ड पेंशन, लागू हो सकता है देश में नया कानून। शराब घोटाले के समय जिस मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते थे सीएम केजरीवाल, वो फोन हो गया है गायब, ईडी ने बताया इससे पहले 170 गैजेट है लापता। 1 अप्रैल से लागू हो रहा नया नियम, अगर जनरल टिकट खरीदकर स्लीपर में चढ़ जाए तो टीटी को मात्र देना होगा 250 रुपया, नहीं लगेगा ज्यादा चार्ज। दिल्ली में सांप्रदायिक तनाव, एक टीचर की गंदी करतूत से होली पर बिगड़ा माहौल, तोड़फोड़ हुआ, इलाके में लगाया गया धारा 144। मध्य प्रदेश में महाकाल मंदिर के गर्भगृह में लगी आग, सीएम की बेटा बेटी भी थे मौजूद, मुख्य पुजारी सहित 13 लोग झुलसे। होली पर स्कूटी सवार 2 युवतियों की अश्लील हरकत वीडियो वायरल होते ही 33,000 का लगा जुर्माना। महिला विश्वविद्यालय में टीजीटी पीजीटी व क्लर्क समेत कई पद पर निकाली गई है भर्ती, इच्छुक उम्मीदवार कर सकेंगे आवेदन, आवेदन करने के लिए BPSMV नॉन टीचिंग स्टाफ recruitment.gov में जाकर कर सकते हैं आवेदन। कक्षा 3 और 6 में NCERT का नया पाठ्यक्रम लागू होगा, CBSE ने कर दिया बड़ा ऐलान। केंद्र सरकार ने दिया है खुशखबरी, सरकारी कर्मचारियों को 30 मार्च को केंद्रीय कर्मचारी की होली का आएगा एरियर, सरकार देगी होली मनाने के लिए बोनस का पैसा। झारखंड से सीता सोरेन को भाजपा ने दिया टिकट, 5वीं सूची में आया है इनका नाम, लड़ सकती है लोकसभा चुनाव।